तो हम लोग अभी है फिलहाल दो दिल्ली में, और ये अपना इंडिया गेट का एरिया है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का एरिया है। और तो फाइनली गाइस हम लोग लोटस टेम्पल पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे वैसे कोई धर्म का एक बंदे मतलब एक धर्म का कोई भी मंदिर नहीं है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग आ सकते हैं। यहाँ पे बस खाली क्या करना रहता है, यहाँ पे जाके आपको साइलेंस रखना रहता है। तो अभी मेरा भाई बनाएगा रजनीकांत वाले स्टाइल में चश्मा पहनने वाला है, तो अभी प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, तो अभी करके करो अमर अमर करो करो यार। हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ अभी अयोध्या धाम जंक्शन पे, और मैं निकलने वाला हूँ दिल्ली, और हम लोग हैं और बाकी सारे दोस्त यहाँ पे हैं, तो हम लोग नई ट्रिप चालू कर रहे हैं। ये है अपने अमर भाई, ये है विकास, और ये है सुधीर भाई, ये है सूरज, और ये है आनंद, जो कि हमारे टीममेट्स हैं सारे के सारे जो साथ में जाएंगे। और हम लोग जाने वाले अमृत भारत एक्सप्रेस से, जो कि अभी जो नई निकली हुई है ट्रेन उससे जाएंगे। तो अभी वो 2:30 बजे की लगभग ट्रेन है, तो अभी हम लोग को काफ़ी वेट करना पड़ेगा, लगभग एक दो घंटे पहले हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा रात में फिर आपको टैक्सी वगैरह मिलती नहीं है, तो इसलिए मैं हम लोग आ नहीं सकते थे, तो हम लोग जल्दी आ गए थोड़ा सा। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर में, और पीछे का आप ये सब भी देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छा एंट्रेंस है, अच्छा भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं वैसे दूसरी बार आया हूँ, और मैंने ऐसे यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करा था वीडियो, तो चलिए चलते हैं अंदर में और देखते हैं क्या क्या अंदर में है। फिलहाल अंदर का स्टेशन रेडी नहीं है, और हम लोग सोचे थे कि अंदर में एंट्री करेंगे, वैसे रेडी नहीं है, और पुलिस वाले भी यहाँ पे काफ़ी हैं, और गेट वगैरह क्लोज है। तो जब ही बीच में आए थे मोदी जी, तो यहाँ पे सारा चीज़ मतलब हाँ लाइटिंग वगैरह प्रॉपर थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी रेडी नहीं है। कुछ भी क्या मतलब, बाकी सारी चीज़ें तो रेडी हैं, लेकिन जो अंदर का स्टेशन है वो रेडी नहीं है। तो हो सकता है 22 जनवरी तक हो सकता है रेडी हो जाए, तो देखते हैं और वेट करते हैं, होता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अभी हो रहे हैं 4:12-13 ऐसे कुछ, और हमारी ट्रेन लगभग 1.5-2 घंटे की लेट से है, और टाइमिंग थी 2:30 बजे की, 2:35 ऐसे समथिंग, और लगभग 2 घंटे लेट है। और ये अमृत भारत ट्रेन है जो कि अभी फ़िलहाल नहीं निकली है, और मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है कि इतनी अच्छी ट्रेन इतना ज़्यादा लेट होके चल रही है। 15-20 मिनट चलता है, आधा घंटा चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा लेट बहुत बुरा लग रहा है। तो अभी हम लोग तो वेट कर रहे हैं काफ़ी देर से, जब आएगी उसके बाद में फिर निकलते हैं, और दिल से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एकदम नई ट्रेन, मैंने सोचा था कि एकदम टाइम टू टाइम चलेगी, और ये तो छोड़ो वंदे भारत तो 4 घंटे लेट थी, अभी अनाउंसमेंट हुई थी, तो वंदे भारत जब इतनी लेट है तो इसकी तो बात ही अलग है। फिर हो जाता है, देखते हैं कब तक आती है। और हम लोग अभी अयोध्या जंक्शन पर, आप देख भी सकते हैं, थोड़ा सा गला बैठ गया मेरा, तबीयत सही नहीं है इस समय पे, थोड़ा सर्दी टाइप की हो गई है मुझे, तो पता नहीं आवाज़ बराबर आ रही होगी कि नहीं आपको, ये तो बिल्कुल आइडिया नहीं है मुझे। 2000 years later तो फाइनली गाइस हम लोग अभी ट्रेन में पहुंच चुके हैं, और बहुत परेशानी हुई, बहुत देर बाद ट्रेन आई, और थोड़ा सा अभी राहत मिली है हम लोग को ट्रेन में बैठ के। और हाँ, अब जाएंगे हम लोग सोएंगे, उसके बाद में सीधा सुबह उठेंगे 10-11 बजे, उसके बाद में 2:30 बजे का लगभग एस्टीमेट टाइम है कि पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद में फिर सीधा घूमने निकल जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे अच्छे अच्छे से नज़ारे, और आप समझ सकते हैं जो भी देखना रहेगा दिखाऊंगा मैं। ट्रेन कंडीशन तो वैसे अच्छी थी, बाकी थोड़ा सा भीड़ था जनरल में, स्लीपर में तो वैसे ज़्यादा नहीं था, और कुछ लोग ऐसे हरामी टाइप के होते हैं ना, उन्होंने जो होल्डर होता है ना बॉटल का, वो सब तोड़ के रखे हैं उस साइड में, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ट्रेन में बैठते ही सभी लोग व्यस्त हो गए, और ये क्या रे भीख मंग गया, क्या देख रहा है। तो ये है अमृत भारत एक्सप्रेस का टॉयलेट, ये तो खैर इंडियन टॉयलेट है, इंडियन स्टाइल वाला, और दूसरे साइड में वेस्टर्न स्टाइल वाला भी रहता है, तो कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और आप नीचे देख भी सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है, जितना नॉर्मल और ट्रेनों में जल्दी नहीं रहता, लेकिन इसमें है। वैसे तो ये स्लीपर है, इसकी वजह से हो सकता है ज़्यादा साफ़ है, बाकी जनरल में भी वही कंडीशन होता रहेगा ज़्यादातर तो, लेकिन हाँ कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी।
गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं 7:11, अभी जाकर हम लोग पहुंचे 5-6 घंटा लगभग लेट थी ट्रेन, तो अभी चलेंगे कुछ खाते पीते, भूख बहुत ज़्यादा तेज लगी है तो पहले खाते पीते उसके बाद में। दोस्तों तो हम लोग अभी है फिलहाल दिल्ली में और ये अपना इंडिया गेट का एरिया है, राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के बीच का एरिया है और ये काफ़ी खूबसूरत है। आप लोग तो जानते हैं अभी परेड का टाइम है, मतलब परेड होने वाला है, 26 जनवरी जब आएगा तो परेड होगा यहाँ पे। तो वैसे तो मैं उस टाइम पे यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपने अयोध्या में रहूँगा क्योंकि वहाँ पे इनॉग्रेशन बहुत सारी चीज़ों का होना है तो वहाँ पे रहेंगे हम लोग। और काफ़ी मज़ा आ रहा है, अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा सा स्टे करने का जगह ढूंढ रहे हैं वहाँ पे जो रुकेंगे, क्योंकि ये 1-2 दिन हम लोग रुकने वाले हैं तो और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे दिल्ली को, तो जिसके वजह से मैं ही सबको घुमा रहा हूँ क्योंकि यहाँ के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। तो अब जो भी जानता हूँ थोड़ा मोड़ा वो मैं मतलब हाँ ठीक है कि इतना जानता हूँ कि मैं अच्छे से घूम सकता हूँ दिल्ली में। तो अभी वैसे ही हम लोग जा रहे हैं, पहले स्टे वगैरह का देख लेते हैं उसके बाद में फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, तो कैसे हैं आप? और मैं आ चुका हूँ एक बार और फिर से, अभी तो फिलहाल दिल्ली में ही हूँ मैं। अब मैं रात में बता रहा था मैं कहाँ स्टे करने वाला हूँ, तो मैं स्टे करने वाला हूँ निखिल भैया के घर पे। इनको अगर जानते होंगे, वैसे तो कभी ब्लॉग में आए नहीं है ये, आज पहली बार आ रहा है। हाँ मतलब मैं आता था वहाँ पे, भैया आते थे फैजाबाद में यानी अयोध्या में, तो तब मैं ब्लॉगिंग करता नहीं था और ये चाहते थे कि आऊँ मैं। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने कहा चलो यहाँ ही स्टार्ट कर लेते क्योंकि आज ही आज हम लोग को यहाँ पे रहना है, बाद में फिर हम लोग और कहीं जाने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग निकल जाएंगे, ज़्यादा था 1-2 दिन का स्टे है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ मॉन्यूमेंट वगैरह जो है वो घूमेंगे सारे के सारे, उसके बाद में निकल जाएंगे फटाफट। तो अभी आगे चलेंगे और दिखाते हैं और भैया से भी मिल सकते हैं आप, और हो सकता है आगे इन फ्यूचर में और सारे वीडियो में ये मिलते रहेंगे हमसे, अगर वहाँ आते हो मंदिर वगैरह के लिए तो पक्का वहाँ पक्का ब्लॉग में वो रहेंगे ज़रूर। हम लोग अभी आ चुके हैं घर से मतलब निकल के और हम लोग जा रहे हैं नेहरू प्लेस में और वहाँ से जाएंगे लोटस टेम्पल। तो अभी बस लेने के लिए आ गए हैं, इधर हमारे सभी लोग साथ में हैं, तो अभी बस आएगी उसके बाद में निकलते हैं फिर हम लोग। तो हम लोग निकल रहे हैं लोटस टेम्पल की ओर और अभी नेहरू प्लेस में थे, वहाँ पर थोड़ा शॉपिंग वगैरह करा, उसके बाद में हम लोग वहाँ निकलेंगे और वहाँ का व्यू दिखाते हैं आपको। चलिए चलते हैं। अभी मेरा भाई बनाएगा रजनीकांत वाले स्टाइल में चश्मा पहनने वाला है, तो अभी प्रैक्टिस कर रहा है बंदा, तो अभी करके करो अमर अमर करो करो यार, प्रैक्टिस कर रहे हो, ये बड़ा स्लो था तरीका आपका, बड़ा कैजुअल था तरीका आपका, बड़ा कैजुअल था। तो यहाँ पे बैग में जैकेट रखने के लिए लड़ाई हो रही है क्योंकि अब सबको लग रही है गर्मी की, आज दिल्ली में धूप निकली, वैसे निकलती नहीं ठंडियों में जल्दी लेकिन आज निकली हुई है, इसकी वजह से सब जैकेट वगैरह फटाफट निकालने जा रहे हैं। मैं तो निकाल के एक रख दिया हूँ अपने बैग में और इन लोग को लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें भरा हुआ है कंबल और चद्दर वगैरह, इसकी वजह से जगह है नहीं, इसके लिए लड़ाई हो रहा है, लात घूसा सब चल रहा है उसी में। फाइनली गाइस हम लोग लोटस टेम्पल में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे वैसे कोई धर्म का एक बंदे मतलब एक धर्म का कोई भी मंदिर नहीं है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग आ सकते हैं। यहाँ पे बस खाली क्या करना रहता है, यहाँ पे जाके आपको साइलेंस रखना रहता है और आप अंदर में जाके सिर्फ साइलेंस करके फिर बाहर आ जाएंगे, साइलेंस रहना रहता है और कुछ नहीं करना रहता, पिन ड्रॉप साइलेंट जैसा रहता है वहाँ पे। अगर आप हल्का सा भी सांस तक लेंगे तो उसका भी आवाज़ आता है उसमें, तो अभी हम लोग उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर तो ऐसे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है आई थिंक, तो वहाँ नहीं बना सकते शायद, अगर बनाने मिला तो बना सकते हैं वरना अभी जाके देखते हैं वहाँ पे बनाते हैं। और यहाँ पे गार्डन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बस खाली आप अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ पाथ वगैरह पे ही जा सकते हैं। तो पहले चलेंगे वहाँ पे, वहाँ पे चल के देखते हैं, अगर हो पाया तो वहाँ का शूट करेंगे वरना फिर चलते हैं फिर और कहीं। तो उस साइड में हमारा बंदा जा रहा है जूता जमा करने, जो यहाँ पे जूता वगैरह अंदर करवा देते हैं मतलब उतारवा देते हैं, तो बिना जूते के ही सब अंदर जा सकते हैं क्योंकि वहाँ पे गंदगी ना हो इसकी वजह से। अभी हम लोग चलेंगे अंदर। हम लोग निकल चुके हैं लोटस टेम्पल से और अभी पहले यहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी, बस आती है बस स्टैंड ढूंढ के वहाँ से पकड़ेंगे फिर चलते हैं। हम लोग इंडिया गेट भी घूम लिए, वैसे जाने नहीं दे रहे थे, बोले 26 जनवरी के बाद आना, फिर भी हम लोग रोड साइड से
फ़ोटो वगैरह क्लिक कर लिए और फिर वहाँ से हो लिए। और पीछे की तरफ में राष्ट्रपति भवन था, जो कि हम लोग जा तो नहीं पाए, दोनों तरफ बैरियर लगा था, तो इस वजह से नहीं जा पाए। शॉपिंग करते हुए ये 350 का है और सबका अलग अलग रेट है, मतलब विंचिटा तो सारे के सारे 350 है। तो हेलो दोस्तों, ये है मेरा दूसरा दिन और आज मेरा लास्ट भी है। ये आज शाम को ट्रेन है हम लोग की, तो हम लोग शाम को निकलने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे कुछ स्टे किए थे, ये भैया का घर है जिनको दिखाए थे कल, और हम लोग शाम को निकलेंगे अभी। तो हम लोग दो तीन जगह और भी घूमेंगे, उसके बाद में फिर शाम को ट्रेन हो जाएगी, तो हम लोग 2-3 घंटे पहले पहुंच के फिर वहां से निकलेंगे ट्रेन पे। तो अभी चलते हैं, अभी चाय नाश्ता होगा थोड़ा सा, उसके बाद में चलेंगे घूमने टहलने। अभी हम लोग आए हुए हैं एक पार्क में, हम लोग निकल चुके हैं वैसे घर से और सभी सब कुछ हो चुका है, खा पी के एकदम फिट है। और ये है सूरघड़ी पार्क, यानी कि सनडायल इसको बोलते हैं, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और एक्चुअल में ये घड़ी है, धूप से चलती है, जो कि मतलब धूप का जो रोशनी वगैरह पड़ता है उससे जो उसका परछाई होता है उससे मतलब दिखता है। हाँ, एक्यूरेट तो एकदम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो लिखा है वो तो है ही, ये लिखा है कि हो सकता है हो, मुझे नहीं पा मालूम एकदम से, लेकिन हाँ इसकी तरफ आप देख सकते हैं 2-4 फ्लाईओवर भी हैं। यहाँ से पीछे की तरफ में रैपिड रेल की वो जा रही है पुल, जो कि मेरठ तक जाएगी, और ये नोएडा के लिए है, हाँ नोएडा की बगल से है। और कई सारे फ्लाईओवर हैं इधर पे, और ये ऊपर के साइड में ना यहाँ पे जो बिजली का वायर दिख रहा है, थर 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 क्या आवाज़ आ रही है इससे, ऐसे लग रहा है गिरेगा ना तो उड़ जाएंगे जिनको लगेगा करंट तो। और ये पीछे का है ये पार्क, पार्क तो काफ़ी अच्छा है ये, मैं जितनी बार भी आया हूँ यहाँ ज़रूर आता हूँ, क्योंकि ये पार्क काफ़ी अच्छा है, मेनटेन रहता है हर टाइम, तो हाँ अच्छा है। अभी तो ये रैपिड रेल का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बंद कर दिए हैं, यहाँ पर पूरा बैरियर लगा दिए हैं, इसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा, वरना आगे से एंट्री थी, अभी तो पीछे से मैं आया। सभी लोग आई लव दिल्ली का वीडियो बनवा रहे हैं पीछे की तरफ में, ये है, और मैं इधर व्लॉग बना रहा हूँ। ऊपर पुल पे भी ट्रैफिक लगती है क्या ऐसा, हाँ दिख तो रहा है, पूरी की पूरी जाम है, देखो उधर, ये देखो पूरा का पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। और इधर पे सभी लोग अपना आई लव दिल्ली का मज़े ले रहे हैं फ़ोटो खिंचवा के, मैंने भी खैर क्लिक करवा लिया है। तो चलिए चलते हैं और कहीं घूमने, हम लोग डिसाइड नहीं करते, बस अचानक से दिमाग में आता है वहाँ निकल जाते हैं, तो वैसे ही करेंगे कुछ। सो दोस्तों, हम लोग अभी आ चुके हैं अपने अयोध्या में और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, 8:00 कुछ टाइमिंग हो रहा है, हाँ 8:02 ऐसे 3 मिनट पे हुआ है। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं और हम लोग आ ही रहे, मेरी नानी पीछे की तरफ में आ रही हैं, अभी उनसे बोलेंगे कि चलो नानी चाबी दो, क्योंकि मुझे बाइक निकालना, अच्छे टाइम पर मिल गई, मैं ढूंढने वाला था, क्योंकि मैं अभी जाती हूँ ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, हाँ वो जा रही थी जॉब पर, वो आ रही पीछे के घर। अभी नानी से मैं मिल चुका हूँ और हाँ चाबी वगैरह ले लिया मैंने। नानी पूछ रही थी तुमने एक दिन बता के 2 दिन में कैसे आया, मैंने कहा यार एक दिन तो जाने में ही लग गया है, मुझे तो मैं एक दिन में कैसे आ जाऊँगा। तो चाबी अभी लेके अभी चलेंगे घर पे और अपना सामान वगैरह लेके, बैग वगैरह एक यहाँ पे छोड़ दूँगा, कि 2 बैग है तो मैं एक ही लेके जाऊँगा। तो वहाँ से सीधे चलेंगे घर पे, और वहाँ पे एडिटिंग वगैरह भी करनी है तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो कई दिनों से वीडियो भी नहीं आई है, 5-6 दिन हो गए, तो मुझे जल्दी से जल्दी काम करना है कि हो जाए मेरा काम। तो चलते हैं, वीडियो कैसी लगी तो मुझे बताना, मिलते हैं घर पर अपने, बाय।